एक रुपए के दो छोले कुलचे क्या, मतलब एक रुपए में दो कुलचे। अभी आ चुके हैं चांदनी चौक में, ऐसी जगह जहाँ पर ढाक के पत्ते पे सुपर स्पेशल छोले कुलचे मिलते हैं। तो चल के अंकल जी से बात करते हैं और देखते हैं किस तरीके से अंकल जी अपने स्पेशल छोले कुलचे बनाते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। कितना टाइम हो गया छोले कुलचे आपको यहाँ पर बेचते हुए? 38 साल। आज ही पहले सेंट्रल बैंक के आगे लगाता था, उसके बाद जब मेट्रो चली उससे पहले चालू यहाँ कर दिया, मतलब 2004-05 से यहाँ से लगा रहे हो। तो क्या बात है, और बड़ी खूबसूरत तरीके से अंकल जी ने देखो कार्ड को सजाया। पहले से 2000 से भी पहले से, सन 2000 से पहले से लगा रहे हैं। और जी तो ये देखो कार्ड बड़ी खूबसूरती सजा रखी है। और कितने रुपए की प्लेट है अपनी? अब इस टाइम 30 रुपए की प्लेट है। 30 रुपए में कितने कुलचे और कितने कैसे? दो कुलचे। शुरू में तो 1 रुपए के दो बेचता था। 1 रुपए के दो छोले कुलचे क्या, मतलब 1 रुपए में दो कुलचे और 84 में। अब बनाएंगे अंकल जी ढाक के पत्तों पे स्पेशल छोले कुलचे। ये ले लिया पत्ता। अच्छा इसकी भी टेक्निक है आपकी, ये देखो इसको दोना बना दिया इन्होंने। आपकी दो प्लेट मैडम, एक आपने दी ली। हरी मिर्च अदरक ले ली और गर्मा गर्म छोले एकदम ताजे ताजे। कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं? 12 बजे आते हैं, 12 से 4-4:30 बजे माल खत्म हो जाता है जी। और इस मसाले को अच्छे से कर लिया मिक्स। इसमें मसाला कौन सा डाला है? सारे गर्म मसाले इसमें, लौंग, धनिया, दालचीनी, जीरा, इलायची, जायफल, जावित्री, ओके, काला नमक। अच्छे से फिर से डाल दिया थोड़ा सा मसाला और अब इसमें निचोड़ रहे हैं नींबू। शानदार प्लेट तैयार कर रहे हैं और ढाक के पत्ते की स्पेशल प्लेट है जो दिल्ली में गिनी चुनी जगह मिलती होगी। ये देखो ऊपर से सलाद रख दिया, शानदार प्लेट एकदम तैयार है। तो अंकल जी एक प्लेट हमारी भी बनाओ और हमें खिलाओ अपने स्पेशल छोले कुलचे। तो अब हमारी यहाँ पर प्लेट लग रही है, ये देखो। ये मेरे को ना जबरदस्त टेक्निक लगी, जो पत्ते से आप दोना बना रहे हो ना, ये जबरदस्त है। थोड़ा स्पाइसी बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और ये लो जी, क्या बात है, हल्का सा मसाला फिर से डाल दिया। एक मिनट। और ये डाल दिया नींबू। तो गाइस अपनी छोले की प्लेट तो आ चुकी है, तो अब चलते हैं दूसरी साइड जहाँ पर कुलचे तैयार होते हैं। आपको चल के दिखा दें किस तरीके से अपने स्पेशल कुलचे तैयार करते हैं। तो गाइस अब अपने कुलचे तैयार हो रहे हैं। ये लो जी कुलचे आ गए और कुलचे देखने में देखो मसाला लगा के, धनिया वगैरह लगा के जबरदस्त तरीके से तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या लगाया भैया? अमूल मक्खन यूज करते हैं, क्या बात है। छोटे से सेटअप में खूबसूरती से मतलब प्लेट खिलाएंगे आपको, बहुत प्यार से बनाएंगे। छोटी सी जगह जरूर है मगर टेस्ट बहुत बड़ा है। यहाँ पर देखो लाइन लगा के लोग खड़े हुए हैं छोले कुलचे खाने के लिए। कुलचों को भी ढाक के पत्ते भी। अच्छा कुलचे भी ढाक के पत्ते भी मिलेंगे, क्या बात है। मतलब खूबसूरत तरीके से आपको खिलाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। तो हमारी प्लेट आ चुकी है, इसके ऊपर ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक हाथ मेरा घिरा हुआ है कैमरे से और एक हाथ में मेरे आ चुकी है प्लेट। अब इसको टेस्ट करते हैं और देर नहीं करेंगे, बहुत देर से वेट कर रहा हूं, तो अब इसको मजे लेते हैं। बोलो बोलना है खाली? बोलो पूरा। हो गया था? नहीं पूरा बोलो फिर से। आने दो तभी तो बोलूंगा, पता नहीं क्या है यार। अरे वो सब आ ही नहीं रहा है। अरे लो उसको। नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे नहीं आ रहा कि हाँ वो छेड़ा है। तो गाइस देर नहीं करेंगे, गाइस देर नहीं करते हैं, अपनी प्लेट आ चुके, उसको टेस्ट करते हैं, उसके मजे लेते हैं। कुलचे बाकी एकदम जबरदस्त है, सॉफ्ट है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आपको बातों से भी लग रहा होगा। देर नहीं करते हैं, इसके मजे लेंगे। ये देखो अच्छे से बाइट बनाइए, कुलचे में छोले अच्छे से भर लेता हूँ, मजा आना चाहिए। कुलचे एकदम सॉफ्ट है, वो तो अलग बात है, लेकिन जब आप छोले खाते हो ना तो इसके अंदर के जो मसाले हैं ना जबरदस्त हैं। इसका हल्का सा जो मुझे फ्लेवर मिला वो पल्स स्ट्रॉबेरी खाते हो ना बाद में, अंदर से इमली और जो मसाला निकलता है वो वाला एकदम डिफरेंट अमेजिंग है, मतलब सुपर है। ऐसा मसाला मैंने आज तक नहीं खाया छोले कुलचे का, बहुत ही जबरदस्त है। तो अगर आपको ये स्पेशल छोले कुलचे खाने तो आपको आना पड़ेगा चांदनी चौक, मेट्रो गेट नंबर 5, शनि मंदिर के एकदम बगल में है। तो आज की वीडियो शानदार प्लेट के साथ ही खत्म करते हैं, मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी लजीज खाने के साथ किसी बेहतरीन जगह। तब तक आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। अगर फेसबुक पे देख रहे हो पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू भाई।